हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाले। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डोनेट बन की मदद से ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल छोटे बालों में साड़ी के लिए। बहुत ही सुंदर लगेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिडल पार्टीशन कर रही हूँ और बीच की मांग आप चाहो तो साइड से भी कर सकते हो। तो बीच की मांग निकाल के मैंने इस तरीके से कॉम कर लिया अच्छे से बालों को अपने। अब कॉम करके सारे बालों को बैक साइड में लेके जाएंगे, ओके, और अच्छे से कॉम करेंगे। जब भी आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाते हो तो कोशिश कीजिए कि जो मांग है हमारी वो ज़्यादा लंबी ना खींचे हम लोग। तो इस तरीके से एक रबड़ बैंड और एक डोनेट बन की मदद से हम लोग हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अच्छे से हेयर को कॉम कर लिया है एंड सारे बालों को ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है, लो में रखना है, क्योंकि साड़ी पे अगर आप लो हेयर स्टाइल करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो इस तरीके से कॉम कर लिया है मैंने और रबड़ बैंड की मदद से इसको अच्छे से टाइटली रबड़ बैंड को लगा देंगे, ओके। वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप लोगों को सेल्फ हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद आती है तो मैं कोशिश करूँगी कि सेल्फ हेयर स्टाइल ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड को टाइटली एकदम लगा दिया है और यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे ताकि क्राउन एरिया के हेयर बिल्कुल फ्लैट ना दिखे और हेयर स्टाइल का लुक अच्छा आए। इसके बाद एक डोनट बन लेंगे और इसको रबड़ बैंड के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद सारे बालों को डोनट बन के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एक और यहाँ पे पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे, यहाँ पे रबड़ बैंड मैंने ले लिया है और सारे बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे, ओके। अच्छे से दूसरे एक हाथ से होल्ड करेंगे और एक हाथ से रबड़ बैंड को लगाएंगे। इस तरीके से पतला वाला रबड़ बैंड लिया है मैंने यहाँ पे और टाइटली लगा दिया है। अगर आपका टाइट नहीं होता तो आप एक बार और रबड़ बैंड को घुमा सकते हो। अब आधे आधे हेयर दोनों साइड से करके इस तरीके से रखेंगे। मेरे हेयर काफ़ी छोटे हैं, लंबे होंगे तो और भी आसानी से और खूबसूरती के साथ आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। अब इस तरीके से लेंगे और सिंपल सी छोटी सेंटर में बनाते जाएंगे हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा लुक देने के लिए। इस तरीके से फिंगर से इसको होल्ड करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेयर लेके बीच के बीच में चोटी को बनाते जाएंगे। एंड में आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एग्जैक्ट जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है हेयर स्टाइल में, ओके। तो अभी पूरी चोटी कंप्लीट हो चुकी है। अब एंड में एक और पतला वाला रबड़ बैंड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ताकि जो एंड पार्ट है वो खुल ना जाए और हमारा जो जूड़ा का लुक है वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए किसी रबड़ बैंड को लगाया है। रबड़ बैंड को अंदर की तरफ डोनेट बन के अंदर इंसर्ट करेंगे और एक यू पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। रबड़ बैंड में यू पिन को लगाएंगे और स्कैल्प के हेयर के साथ सिक्योर कर देंगे। अब ऊपर वाले हेयर्स में दो चार यू पिन लेके अच्छे से लगा देंगे ताकि जो हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छे से क्लियरली दिखे। तो आप देख सकते हो और सेल्फ बना सकते हो और काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश सा लगेगा। इसको आप गजरे के साथ और फ्लावर वाले यूपिंस के साथ डेकोरेट कर सकते हो पार्टी लुक देने के लिए। अदरवाइज ऐसे ही आपको कहीं मार्केट वगैरह जाना है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो साड़ी के लिए सुंदर लो बन हेयर स्टाइल। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए। इंस्टा आई डी PreetiY24 है तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फाइनल लुक एक बार और देख लीजिए। तो है ना इजी क्विक एंड खूबसूरत सा बन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस तरीके की वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सेकेंड चैनल को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।